लगातार बारिश ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। कई गांव और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। बारिश के बीच तालाब बने रास्ते भी आशा बहनों के हौसले नहीं डिगा सके। उन्होंने घुटने भर पानी से गुजरकर पोलियो ड्रॉप पिलाई। आपको बता दें, ड्यूटी निभाई स्वास्थ्य कर्मियों के इस जज्बे की चहुं ओर तारीफ हो रही है। एक ओर जहां कर्मचारी बारिश का बहाना बनाकर काम से बचना चाहते हैं, परंतु अपने कर्तव्य का बोध एक निचले स्तर के स्वास्थ्य कर्मी ने उस समय दिखाया जब घुटनों तक पानी में चढ़कर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। मामले का संज्ञान लेने के बाद अधीक्षक डॉक्टर बी के सोनी ने ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। मामला ग्राम फतेहाबाद तहसील के आशे का पुरा का है, जहाँ इन दिनों डोर टू डोर पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। सोमवार से शुक्रवार तक चलाए जाने वाले अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बच्चों को दवा पिला रहे हैं। बृहस्पतिवार को हुई भारी बारिश के बाद ग्रामीण अंचल में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों का निकलना दुभर हो गया। ऐसी स्थिति में आशा कार्यकर्त्री रेणु देवी तथा संगिनी निर्मला एवं ममता ने गांव की गलियों में घुटनों तक भरे पानी में निकलकर बच्चों को दवा पिलाई। इस दौरान उन्होंने 41 बच्चों को दवा पिलाई। मामले की जानकारी होने पर अधीक्षक डॉक्टर वी के सोनी ने कहा कि ऐसे कर्मठ स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा, साथ ही इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा को भी दी जाएगी, जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। कल आगरा में बहुत ज़्यादा बारिश थी, इसके चलते पोलियो अभियान हमारा बाधित हुआ। काम करने की कंडीशन बिल्कुल नहीं थी। मैंने आह्वान किया था लोगों को कि जैसे ही बारिश बंद हो तो जितना हो सके उतना काम कर लें, लेकिन कर्मचारियों ने हौसला दिखाते हुए और जिम्मेदारी से ज़्यादा काम किया, बारिश में भी काम किया और शाम तक उनने 100% टारगेट अचीव किया। जबकि गाँव में पानी भरा हुआ था, बारिश भी हो रही थी, इसके बावजूद उसमें लगातार काम करते हुए बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया। आए दिन सरकारी कर्मचारियों पर कार्य के प्रति लापरवाही और असंवेदनशील होने के आरोप लगते हैं। इसी बीच ऐसी खबरें सरकारी तंत्र की प्रतिष्ठा को जहां चार चांद लगाती हैं, वहीं अन्य कर्मचारी भी प्रोत्साहित होते हैं। इन तीन आशा बहनों ने अपने कर्तव्य का पालन कर अन्य कर्मचारियों के सामने एक नजीर पेश की है कि जब हौसला और जज्बा हो तो कोई भी बाधा उन्हें कर्तव्य पथ से नहीं डिगा सकती। फतेहाबाद से सी न्यूज संवाददाता मनोज शर्मा और मनीष शर्मा के साथ विजय बघेल की रिपोर्ट।